अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि आजकल एक बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ जो है ना वो चल रही है, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा आप जो है वो स्विच नहीं कर सकते अब आफ्टर 17 जुलाई। जो एक न्यूज़ आई थी 17 जुलाई को कि अब आपने जिस वीज़े पे हैं उसी वीज़े पे रहेंगे जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, जब तक आप स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर लेते तो आप जो है ना वो अपना स्पॉन्सरशिप वीज़े पे कन्वर्ट नहीं कर सकते अंटिल अनलेस कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट ना करें, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं। 17 जुलाई को ये रूल जो है ना वो इन्होंने लगा दिया है होम ऑफिस ने। तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग परेशान हैं कि जिनका वीज़ा प्रोसेस में था, जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था और जिनकी बायो हो गई थी, क्या उनके लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो एकदम से 17 जुलाई को इन्होंने होम ऑफिस ने एक रूल डाल दिया कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, स्टूडेंट वीज़ा अपना स्पॉन्सरशिप मतलब वर्क वीज़े पे स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते जब तक आप अपनी पढ़ाई ना करें। जी ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये न्यूज़ जो आई है, ये रूल जो इन्होंने डाला है कि आप इस तरह नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, ये रूल वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एकदम से एक रूल आ जाए और सबको उस पर स्टिक होना पड़े। बहुत सारे चांसेस हैं कि इस रूल को जो है ना वो फॉलो अप ना किया जाए और ये रूल जो है वो डिसमिस हो जाए। और बहुत सारे लोग ये भी परेशान हैं कि जिन्होंने लाइक अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था, बायो हो गई थी, जो अपना कन्वर्ट कर रहे थे, प्रोसेस के अंदर थे, क्यू में थे, क्या उनके लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। तो जी नहीं, उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। जिन्होंने 17 जुलाई से पहले अपनी बायो कर ली थी वो जो है ना इस रूल से बच गए हैं, वो इस रूल पे अपना प्रोसेस को नहीं डाल सकते कि हम नहीं स्विच कर सकते, उनका प्रोसेस होगा। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है और मैं इसे बैड न्यूज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे चांसेस लगते हैं कि ये जो नया रूल आया है मुझे नहीं लगता कि इतना फॉलो अप होगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की न्यूज़ आ जाएगी कि ये रूल, क्योंकि ये रूल ये था कि नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 में ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन एकदम से सडन आना सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो उम्मीद है कि जिन्होंने, मुझे पता है काफ़ी लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अच्छी उम्मीद रखें, बहुत सारी चांसेस हैं कि ये रूल फॉलो ना किया जाए और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर से हो, जो कि उन्होंने एक टाइम दिया हुआ था लोगों को कि हम नेक्स्ट ईयर से करेंगे जनवरी 2024 से, जिसमें आप सिर्फ खुद आ सकते हैं, लाइक स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आएगा, डिपेंडेंट नहीं आएगा, कुछ इस तरह के रूल्स होम ऑफिस ने बताए थे। और उन्होंने कहा भी था कि हम स्विच नहीं करने देंगे वीज़ा जब तक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट ना कर ले, लेकिन एकदम से सडन 17 जुलाई को ये एक रूल आ गया जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैं यही कहूँगी कि आप परेशान ना हों और बहुत जल्द ये रूल जो है ना वो, सुनने में यही आएगा कि अभी से नहीं नेक्स्ट ईयर से होगा फॉलो। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखें और अच्छा ही होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान थे, जिनके प्रोसेस में थे वो भी यही सोच रहे थे कि हमारा प्रोसेस में है, अब क्या होगा, हम तो नहीं कर सकते। जाहिर है हर किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ़ीस भरी हुई है, बायो की वीज़े की फ़ीसें दी हुई हैं, तो वो इस तरह से कैसे उनके फ़ीस भी जो है वो वेस्ट हो जाए, और इस तरह ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिनकी एप्लीकेशन जा चुकी हैं, बायो हो चुकी हैं, वो अपने रिजल्ट्स का वेट करें, क्योंकि ये रूल उनके लिए नहीं है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहें और लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स चीज़ें आती जाती रहती हैं जिससे हम परेशान होते हैं। ये एक ह्यूमन के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान एकदम से वरी कर जाता है, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं कि ये रूल फॉलो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा। तो फिल वक्त जो आया है, फिल वक्त अभी तो यही है कि अभी ये फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि जो है ना कुछ लोग, जाहिर सी बात है, वो प्रोटेस्ट करेंगे कि इस तरह से एकदम से रूल क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ मुझे भूख लगी, मैं सोचा चले कुछ मीठा खा लेती हूँ। तो आप लोग भी रिलैक्स रहें और जस्ट दुआ करें, उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, बाय।